वेलकम टू अ फ्रेश ब्लॉग ऑफ टेक ऑटो। आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है बजाज की डोमिनार, जो कि आई है पहली बार 250 सीसी के सेगमेंट में। ये बाइक 250 सीसी में पहली बार लॉन्च करी है, BS6 के साथ आई है ये। इससे पहले ये बाइक सिर्फ हमको 400 सीसी में मिलता था, बट बजाज ने 2020 में हमको एक ऑप्शन दिया है 250 सीसी में भी, जो कि एक काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसका 400 सीसी वेरिएंट काफी महंगा पड़ जाता है ऑन रोड देखा जाए तो, उसके हिसाब से इसका प्राइसिंग आपको सूट करेगा। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है, इसके एक्सशोरूम प्राइस की, तो इसका एक्सशोरूम प्राइस है 1.6 लाख। एंड बात करते हैं इसके इंजन की, तो ये आता है 250 सीसी का इंजन, जो कि 27 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है, 23 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड ये एक लिक्विड कूल इंजन है, देख सकते हैं यहाँ पे हमको लिक्विड कूल इंजन दिया गया है, तो यहाँ पर हमको कूलेंट वगैरह फिल कर रखा है। एक सिंगल सिलेंडर फोर वाल्व इंजन है विद ट्विन स्पार्क प्लग आता है ये इंजन, तो जो इस बाइक में आपको काफी अच्छी पावर मिलेगी। वेट की बात करें तो इस बाइक का वेट 185 केजीज है, जिससे आपको रोड पे अच्छी स्टेबिलिटी तो मिलेगी बट इससे आपकी पावर पे भी असर पड़ेगा। एंड ये बाइक दो कलर में आती है, एक तो ये रेड कलर एंड इसके सिवा एक ब्लैक कलर और भी आता है। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट व्यू की, तो यहाँ पर हमको काफी अच्छी अट्रैक्टिव सी हेडलाइट दी गई है, जो कि है 5 सेक्शन में डिवाइडेड, देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है ये हेडलाइट, और ये काफी अच्छी लाइट प्रोवाइड करती है रात में, काफी अच्छा वाइड एंगल है लाइट का। एंड यहाँ पर हमको दो छोटे छोटे से इंडिकेटर दिए गए हैं, जो कि आते हैं LED के साथ, ये भी LED लाइट लाइटिंग के साथ दिए गए हैं। और यहाँ पे हमको एक छोटा सा मास्क दिया गया है हेडलाइट के ऊपर, जो कि काफी अच्छा है, बट इसमें आप थोड़ा चेंज भी करा सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस मास्क की। बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जिनकी विर्थ बजाज डोमिना 400 से थोड़ी सी कम करी गई है। एंड बात करें इसके टायर की, तो ये हमको मिलता है 17 इंच का टायर, ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील्स के साथ आता है। इसकी भी अगर बात करें तो इसकी भी थोड़ी सी विर्थ कम करी गई है डोमिना 400 के कंपैरिजन में, बट जो साइज है वो उतना ही रखा गया है 17 इंच, तो काफी बड़ा टायर दिया गया है बाइक में। बात करें इसके ब्रेक्स की, तो इसमें हमको फ्रंट एंड रेयर दोनों में डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, एंड ये आती है एक डुअल चैनल ABS टेक्नोलॉजी के साथ, देख सकते हैं आप कि ये ABS ब्रेक दिए गए हैं, काफी बड़ा डिस्क दिया गया है, तो एक अच्छी बात है। यहाँ बात करें तो हमको काफी बड़ा रेडिएटर मिल जाता है इंजन को कूल रखने के लिए, एंड हॉर्न दिया गया है यहाँ पे बाइक का, जिसको मैं आप देख सकते हैं काफी अच्छा पावरफुल हॉर्न दिया है, बजाज के हॉर्न काफी अच्छे पावरफुल रहते हैं। बात करें इसके इंजन की, तो ये एक 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जिसमें हमको दो स्पार्क प्लग देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसकी पावर में और स्टेबिलिटी देते हैं। अगर इसकी पावर की बात करें तो ये 27 पीएस की पावर प्रोड्यूस करती है एंड 23.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अगर इस इंजन की ऑन रोड परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए हम एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो ये बाइक आती है 6 गियर के साथ, जिसमें कि हमारा पहला गियर लगता है फ्रंट में, यहाँ पर हमको सिर्फ मीटर में न्यूट्रल और नॉट न्यूट्रल देखने को मिलता है। बट एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे पेडल जो दिया गया है गियर का, शिफ्ट पेडल, वो सिर्फ आगे की साइड है, पीछे की साइड नहीं है, तो उतारने के लिए हमको इसमें नीचे पैर डालना पड़ता है, जो कि थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बात करें यहाँ फुटरेस्ट की, तो ये भी फ्लेक्सीबल दिए गए हैं, जैसे कि ये अच्छी बात है, अगर नीचे से कोई इम्पैक्ट होता है तो ये फोल्ड हो जाते हैं और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, तो ज्यादा जोर से इम्पैक्ट नहीं होता है। एंड बात करें इसके ओडोमीटर की, तो हमको राइट साइड पर देखने को मिल जाती है हमारी स्पीड की, हमारी बाइक की स्पीड कितनी है, प्लस उसी के साथ में हमको साइड में मिलता है फ्यूल मीटर। ऊपर की साइड देखते हैं तो हमको टाइम के लिए वॉच दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड पर देखे तो ये हमारा RPM मीटर दिया गया है, और यहाँ पे हमारा टोटल किलोमीटर बाइक कितना रन कर चुकी है। इसमें आप थोड़ा सेट भी कर सकते हैं स्विच के साथ कि आपके टाइमिंग अगर आपको सेट करनी है, आपके ट्रिप सेट करनी है, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। नीचे हमको सिर्फ एक न्यूट्रल की लाइट दी गई है, एक लॉक अनलॉक की लाइट दी गई है, एंड प्लस ये हमारा जो दिया गया है ये RPM की लाइट है, अगर हमारी RPM लिमिट ज़्यादा हो जाती है तो ये ऑन हो जाती है कि हमारी बाइक गर्म हो रही है। बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो हमको इसमें काफ़ी एक बड़ा फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि है 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक, और फ्यूल टैंक पर हमको देखने को इधर मिल जाती है डोमिनार की बैजिंग, जो कि काफ़ी अच्छी स्पोर्टी लुक में दी गई है, काफ़ी अच्छी लगती है, एंड ये क्रोम में दी गई है तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको फ्यूल टैंक पर प्रोटेक्शन दिया गया है, एक
कवर दिया गया है कि यहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह ना लगे, और ये ग्राफिक्स के साथ दिया गया है तो ये भी काफ़ी अच्छा और स्पोर्टी लुक देता है यहाँ। और फ्यूल टैंक पे बात करें तो यहाँ पे हमको काफ़ी सारे छोटे छोटे आइकन्स मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा ABS, साइड स्टैंड अलर्ट, जैसे कि मैंने साइड स्टैंड खोल रखा है बंद कर दिया, एंड बजाज की बैजिंग, बैटरी आइकन, एंड यहाँ पर हमको एक पास का भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं हाई बीम या फिर पास का सिग्नल भी हमको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये देखिए आप, हाई बीम है, मैं दिखाना चाहूँगा अभी आप आगे से पूरी हेडलाइट दिखा दें कि हेडलाइट पूरी कैसे जलती है। तो आप देख सकते हैं हेडलाइट अभी 5 सेक्शन में डिवाइडेड है और पूरी हेडलाइट जल रही है, ये भी हाई बीम पे, तो इसको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बात करते हैं हम हैंडल्स पे हमको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, छोटे छोटे फीचर्स देख लेते हैं। इधर हमको पास स्विच दिया गया है, इधर हाई लो बीम स्विच दिया गया है, इधर ये इंडिकेटर स्विच दिया गया है। आप देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहे हैं तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, बट DRL LED DRLs में दिए गए हैं तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड इसमें यहाँ पर इंडिकेटर स्विच के नीचे हमको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। राइट हैंड साइड पर बात करें तो यहाँ पर हमको इंजन किल स्विच मिल जाता है, हमारा हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, एंड ये है हमारा सेल्फ स्टार्ट। अभी इसमें पेट्रोल नहीं है तो हम इसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मिरर की बात करें तो ये हमको यहाँ पर मिरर के जो स्टैंड्स दिए गए हैं ये मेटल के हैं, ये प्लास्टिक के नहीं है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छे मेटल दिया गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरर साइज काफ़ी अच्छा दिया गया है, जिससे कि पीछे का आप काफ़ी अच्छे से देख पाएँ कि आपके पीछे क्या चल रहा है, कौन सा व्हीकल चल रहा है। बात करते हैं इस पे बैठने की, तो मैं बैठा हुआ हूँ ऑलरेडी इस पे काफ़ी देर से, आप देख सकते हैं, और इस पे आप देख सकते हैं पोस्चर जो है काफ़ी अच्छा आता है इस पर बैठने के बाद, ये काफ़ी अच्छा पोस्चर देती है, आपकी बैक इसमें सीधी रहती है, आपके हैंड्स सीधे रहते हैं, शोल्डर्स बिल्कुल परफेक्ट पोजिशन में आप बैठते हैं इस पे, तो ये काफ़ी अच्छी ध्यान रखा गया है। सीटिंग की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छी सीट है सिंगल राइडर के लिए, तो काफ़ी बढ़िया सीट दी गई है, तो कम्फर्टेबल है सीट, एज सच आपको कोई इशू नहीं आएगा इस सीट पर। अब बात करते हैं हम इसके बैक सेक्शन की, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले देखने को मिल जाती है डोमिनार की बैजिंग, डोमिनार 250 की, जो कि दी गई है हमको क्रोम में, काफ़ी अच्छा लुक देती है। एंड मैं बात करता हूँ पिलियन सीट की, तो पिलियन सीट पे भी हमको डोमिनार की बैजिंग दी गई है कि ये डोमिनार बाइक की सीट है, जो कि अच्छी बात है। एंड बात करते हैं अगर इसकी विड्थ की, तो वो काफ़ी कम है, काफ़ी मतलब यहाँ पर थाई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर बैक सीट पर बैठने के लिए, बट इसकी सीट की जो सॉफ्टनेस है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैठने में कंफर्ट रहेगा, बट थाई सपोर्ट ना होने की वजह से डिसकंफर्ट भी उतना ही रहेगा। बात करते हैं इसके फुटरेस्ट की, तो यहाँ पे हमको मेटल फुटरेस्ट दिए गए हैं, यहाँ पर कोई भी लेदर की कवरिंग नहीं है, जैसे कि आगे वाले में यहाँ पर हमको लेदर दिया गया है, बट यहाँ पर सिंपली पूरा मेटल दिया गया है। एंड बात करें अगर इसके हम चेन की, तो यहाँ पर हमको विदाउट चेन कवर चेन मिलती है, जो कि एक स्पोर्ट लुक देती है इस बाइक को। एंड सस्पेंशन की बात करें अगर हम इसके रेयर सस्पेंशन की, तो यहाँ पर हमको मोनोरॉक सस्पेंशन मिलता है, जो कि आता है नाइट्रॉक्स के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है वाइल राइडिंग। बात करते हैं इसके रियर टायर की, तो ये भी आता है 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जो कि है एक अलॉय व्हील के साथ। एंड इसमें रियर ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमको डिस्क दिया गया है विद डुअल चैनल ABS आती है ये बाइक, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। एंड बात करते हैं हम इधर इसके बैकलाइट की, तो टेल लाइट की, तो हमको यहाँ पर LEDs दी गई हैं टेल लाइट में, जो कि हैं 2 सेक्शन में डिवाइडेड, जो कि काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करती हैं, पीछे से बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी लगती हैं। एंड अगर यहाँ पर हम बात करते हैं हैंडल्स की, तो यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं पिलियन के लिए, वो भी मेटल में दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, तो मीन्स पिलियन के लिए यहाँ पर हमको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे आते हैं अगर टेल लाइट से, तो यहाँ पर हमको इंडिकेटर दिए गए हैं, जो कि हैं LED में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, जो कि एक अच्छी स्पोर्टी लुक देते हैं इस बाइक को। नीचे यहाँ पर हमको नंबर प्लेट के लिए सेक्शन दिया गया है, और यहाँ पर हमारा है रिफ्लेक्टर, इन केस अगर हमारी टेल लाइट कभी ख़राब हो जाती है तो रिफ्लेक्टर अपने से पीछे वाले को हमारी बाइक विजिबल रहती है। चलते हैं इसके राइट सेक्शन की साइड, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है एक एग्जॉस्ट, जो कि आता है डुअल बैरल के साथ में, जो कि काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट है। इसकी मैं साउंड सुनाना चाहता आपको, बट अभी इसमें पेट्रोल ना होने की वजह से इसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट दिया गया है यहाँ पर, जो कि इस बाइक को स्पोर्ट लुक देने में कोई कमी नहीं रखता है, काफ़ी अच्छी लुक जाती है इस बैरल, इस साइलेंसर की, इस बाइक के साथ। बात करता हूँ अगर मैं आपके ब्रेक पैडल की, रेयर ब्रेक पैडल, तो यहाँ पर ये हमको सिल्वर में दिया गया है, देख सकते हैं आप, ये सिल्वर में दिया गया है। एंड
काफी इजीली प्रेस है, काफी इजी प्रेस है। इन केस अगर आपको लगे कि नहीं काफी हार्ड होता है तो ये काफी स्मूथ है, एज पर डिस्क ये काफी स्मूथ दिया गया है। यहाँ पर भी ये हमारे फ्लेक्सिबल हैं, जैसे कि उधर भी आगे राइडर के लिए फ्लेक्सिबल दिए गए हैं। बात करते हैं इंजन की, तो यहाँ से हमारा इंजन में इंजन ऑयल फिल होता है। ये सेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ खोल करके, आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसमें अपना इंजन ऑयल फिल कर सकते हैं। एंड अगर एक चीज की मैं बात करूं इसमें जो है कमी, वो मेरे को लगती है इसके लेग गार्ड की, जो काफी छोटे दिए गए हैं। थोड़े से और बड़े होते तो अच्छा लगता, बट सेफ्टी के पर्पज से वो अच्छे होते, बट स्पोर्टी लुक्स के साथ बात करें तो वो यही जाते हैं, इसलिए इसमें थोड़े छोटे दिए गए हैं। इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें हमको 12 वोल्ट की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 8 एम्पीयर की पावर प्रोड्यूस करती है। एंड अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके जो छोटे छोटे फीचर्स हैं हैंडल पे, जैसे कि यहाँ पे हमको पूरे लाइटिंग दी गई है, एलईडी लाइटिंग ब्लू कलर में, तो रात में ये काफी अच्छी लगती है वाइल राइडिंग। एंड इससे हमको एक और बेनिफिट रहता है कि हम अपने स्विचेस, हमको पता रहता है हम कौन सा स्विच प्रेस कर रहे हैं, तो कोई गलत स्विच प्रेस नहीं होता है। तो ये था इस बाइक का डिटेल वॉक अराउंड। अगर आपको इसके राइडिंग से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस के आपको वीडियो चाहिए अगर, तो हम आपको इसका ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसा है वो भी लेकर आएंगे इन फ्यूचर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आगे हमारे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बस इस वीडियो में इतना ही, चलिए धन्यवाद।